हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है, बहुत ही अच्छी। 3-4 दिनों बाद निकली, वरना इतनी विंटर थी ना कि बिल्कुल रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। बट आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो आज बहुत सारा काम भी मैंने कर लिया। काफ़ी दिनों से मैं विंटर ड्रेसेज जो होती हैं वो धोने के लिए सोच रही थी, बट विंटर के चलते मैं धो नहीं पा रही थी, इतनी ठंड थी। तो क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ठंड में काम कर लेती तो मेरे सिर वगैरह में दर्द हो जाता है या फीवर भी हो जाता है, और वैसे भी मुझे कुछ दिनों से फीवर भी था तो मैं नहीं कर रही थी। बट आज इतनी अच्छी धूप निकली थी तो मैंने जो भी ड्रेसेज वगैरह थी वो धो ली थी। मैंने कहा आज धूप अच्छी निकली है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे, तो मैंने धो ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, मैंने, मम्मी पापा ने, और अभी हम लोग जो सेम है उसे तोड़ रहे हैं। मम्मी काट रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कटवा देती हूँ, तो मम्मी तो चाकू की हेल्प से कर रही हैं बट मैं अपने हाथों से ही ऐसे तोड़ रही हूँ। और मम्मी जो है वो सब्ज़ी के लिए तोड़ रही थी, बट मैंने बोला कि अचार डाल लेंगे, अचार खाने का बहुत मन करा सेम का, तो घर पर सेम उगी हुई है तो मम्मी बोली ठीक है अचार ही डाल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और आज तो ना बहुत अच्छी धूप निकली थी, बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी सारा काम कर लिया था मैंने। और आज मैंने देखी जो शॉल है वो चेंज कर लिए, कई दिनों से एक ही शॉल में मैं घूम रही थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब ज़्यादा कपड़े गंदे हों, विंटर में धोने में बहुत दिक्कत होती है इसी वजह से। तो आज वो वाली शॉल मैंने धो दी, और न्यू शॉल मैंने निकाली है ये वाली। घर में ऐसे शॉल पहनने के लिए बहुत अच्छे होते। और मम्मी पापा तो गए घूमने के लिए, और धूप भी जा चुकी है, धीरे धीरे काम करना है हमारा, जो भी है कपड़े वगैरह धोए थे तो वो सब उठाने हैं मेरे को, क्योंकि धूप जा रही है। अब कपड़े शायद कल तक सूखेंगे, आज तो क्या सूखेंगे, अब कल ही सूखेंगे। तो मैंने मशीन लगा ली थी, मैंने कहा बहुत अच्छी धूप हुई है, सूख जाएंगे कपड़े तो बढ़िया, बट तो उतने नहीं सूखे, सूखे पर उतने नहीं सूखे। तो मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि हाथ से कपड़े तो उधर मुझे बहुत आलस आता है, सही बताऊँ तो मुझसे नहीं धुलते हैं साफ कपड़े इसीलिए। और यहाँ पे अचार के डिब्बे वगैरह पड़े हैं, तो ये सब जो मैं इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ, पापा ने यहीं पे रख दिए थे तो यहाँ लगा देती हूँ इनको। और एक डिब्बा और है वो भी रख देती, सोच रहे हैं सेम का जो अचार है वो बनाने के लिए। अभी दोपहर में मैंने और मम्मी ने जो सेम तोड़ी थी ना, उसी सेम की सब्जी बनाने के लिए तोड़ रहे थे, बट मैंने बोला मम्मी को कि ना अचार बना लेते हैं मम्मी, तो मम्मी बोली थी हाँ इसको मैं कल बोल देती पापा को डाल देंगे, तो शायद पापा बना देंगे, भाई बना देगी, कोई भी बना देगा, मैं बना दूँगी, मम्मी बना ले, कोई बना लेगा, बट मम्मी कह रही थी पापा से बनवा देंगे तो कोई भी बना लेगा। तो फिलहाल मैं कपड़े उतार लेती हूँ, धूप जा रही है धीरे धीरे, तो मम्मी पापा भी आएंगे तो कहेंगे तो कुछ काम नहीं हुआ है, और बर्तन पड़े हैं वो भी धोने हैं, तो चार ज़्यादा नहीं, बस एक दो ही बर्तन है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। गाइस, अभी मैं जब कपड़े उतारने गई थी तो मैं वहाँ से साग लेके आई थी, इसी बैठक के में गई थी, जब मैं कपड़े उतार रही थी ना तो आने लगी, तो मैंने देखा कि मेरी जो कजन और मेरी कजन की जो लड़की है वो खेत पे गए थे और ये साग लेके आए थे। जब वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि साग लेने जाएंगे दोपहर में, तो मेरा मन कर रहा था, मैं मम्मी को बोलती थी कि ले आना खाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद इसका सीजन चला जाएगा, जब फसल होने लग जाती है तो फिर सीजन चला जाता है। तो अभी ये साग था तो मैंने कहा खाएंगे, और इसके साथ है ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का अचार है। आप चाहे तो इसको हरी मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कौन चटनी पीछे जाएगा, ये था तो मैंने कहा इसके साथ ही मैं खा लूँगी, तो मैं गई थी तो मैं एक मुट्ठी ले आई थी, ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी लाई थी, क्योंकि इसे ज़्यादा तो मैं खाऊंगी नहीं, ज़्यादा खाने पर नुकसान भी करता है, बट मन कर रहा था खाने का। एक दिन गए थे हम संक्रांत में, जब खा के आए थे खेत में, तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मन नहीं कर रहा था। और आज जब मैंने नाम सुना कि साग लेने जाएंगे, खेत खोटने के लिए जाएंगी लड़कियाँ,
तो मेरा मन करके मैंने कहा कि लाना मैं भी खाऊंगी। तभी इत्तेफाक से मैं चली भी गई बैठके में, तो वहाँ पे वो लड़कियाँ लेके आई थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो सा आ गया, मैं एक मुट्ठी उठा ली। मैंने कहा चलो जो अचार है उसके साथ ही मैं खा लूँगी। कल मेरी बुआ की ना जाएंगी, मेरी बुआ जो मछली बुआ है वो जाएंगी दवाई लेने, तो छोटी बुआ के पास जाएंगी वहीं पर, तो लेके जाएंगी। मैंने बताया था ना आपको पिछले ब्लॉग में कि कुछ ना कुछ ले जाते हैं हमारे यहाँ, तो वही लेके जाएंगी। कितना अच्छा लगता है जेलीफिश, बहुत अच्छा लगता है, तीखा तीखा साग के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे। काफी दिनों से मन कर रहा था बट मौसम ठंडा था तो इसलिए नहीं बनाई थी, आज अच्छा मौसम था तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और मेरे हाथ में लेके क्या है, एवरेस्ट का जलजीरा पाउडर है, इसी का मैं पाउडर, इस पाउडर से मैं पानी बनाऊंगी, गोलगप्पे का पानी बनाऊंगा, सिंपल ही गोलगप्पे बनाऊंगी, कोई ऐसा नहीं ज्यादा तीखा मतलब नहीं है, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बस यही इसी को मतलब यूज करूंगी मैं पानी बनाने के लिए। और मीठी चटनी तो है नहीं तो मैं इस सॉस का यूज करूंगी, बच्चों को यही दूंगी इस मीठी सॉस और ये चटपटा पानी। और अपने लिए मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा तीखा हो जाए, इसी पानी में डाल दूंगी। और जो गोलगप्पे वो मार्केट वाले हैं तो उसे मैं डीप फ्राई कर लूंगी, इससे हमारे गोलगप्पे जो है वो बनके फटाफट तैयार हो जाएंगे और फिर हम खाएंगे। और पानी भी अब मैं रेडी करने जा रही हूँ, तो ज्यादा नहीं पानी बनाई, सिर्फ 2 गिलास पानी बनाऊंगी मैं, इतने में हम खा लेंगे, ज्यादा मतलब पानी वेस्ट नहीं करने वाली मैं, बहुत कम, क्योंकि मुझे कोई दुकान पे तो बेचना नहीं है ना, तो अपने घर में जितने लोग उस हिसाब से मैं बनाऊंगी, तो 2 गिलास पानी बनाऊंगी बस। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग। क्या कह रहे पापा, तो घूमने आए थे, कितनी दूर गए, नहर पे बैठे थे क्या आप लोग, मम्मी साग पड़ा था थोड़ा खाओगी, नहर पे नहीं गए थे, वहाँ गए थे सिवान में, सिवान में से नहर पे जाके नाव चला रहे थे, सही है ना मम्मी, खाओगी क्या साग। तो फ्रेंड्स मैं गोलगप्पे का पानी बनाने लगी थी, तब तक पापा ने चाय भी बना दी और जो गोलगप्पे हैं उसे भी तल दिए, बस अभी हमें खाने बाकी है। तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को वीडियो मेरी जो ब्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में और क्या देखना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे मेरी वीडियो एंड होने तक। और हाँ प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 फुल वॉच किया कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज गोलगप्पे वगैरह तो हम लोगों ने खा लिए हैं और टेस्टी भी लगते हैं और अब पी रहे चाय, चाय की बारी है। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।